हेलो नीलेश सर, आई एम दीपाली फ्रॉम पुणे। सर मैं आपको थैंक्स कहना चाहती थी, लेकिन थैंक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा छोटा शब्द हो जाता, इसलिए मैं ये वीडियो आपको डेडिकेट कर रही हूँ। सर थैंक यू सो मच कि मैं आज आपके कम्युनिटी का एक हिस्सा हूँ, ANZ का। सर क्योंकि मैंने बहुत पहले भी एक दो क्लासेस किए हैं, लेकिन जो एक बिगिनर को चाहिए होता है, जो एक बिगिनर को शुरुआत में सिखाना चाहिए ट्रेडिंग में क्या, तो वो सब हमें नहीं मिला सर। मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स में सबसे पहले हमें ट्रेड करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जैसे शुरुआत में हमें प्रॉफिटेबल सिस्टम कैसे होती है वो सब हमें आपके क्लासेस से मिली है, और इक्विटी में ट्रेड कैसे करना होता है, 1% रूल जो भी किसी भी क्लास में मुझे नहीं लगता कि सिखाते होगे, क्योंकि हमारे कैपिटल का ही 1% हमें यूज़ करना है, ये आपसे आपके क्लासेस से हमें बहुत ही अच्छे से सीखने को मिला है। और जो आप स्टूडेंट के साइकोलॉजी पे काम करते हो, साइकोलॉजी, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर हमारा माइंड सेट ना हो, क्योंकि हम उठ गए और वैसे ही सवेरे सवेरे ट्रेड ले लिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है हमें ट्रेड लेना कहाँ है, एग्जिट करना कहाँ है। जो आपने सिखाया है कि हमारे पास एक जर्नल होना चाहिए, चेकलिस्ट होना चाहिए, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आपके बारे आपने हमें वो बहुत ही अच्छे से सिखाया है। और आप जो कहते हो कि लाइफ टाइम आप कम्युनिटी का एक हिस्सा रहोगे, तो सिर्फ आप ये कहने के लिए नहीं कहते हो, क्योंकि 1-to-1 मीटिंग हमने आपके ही क्लास में देखी है, क्योंकि बाकी सब बाकी अदर क्लास में तो मुझे पता नहीं था कि 1-to-1 भी मतलब लेते हैं करके, लेकिन 1-to-1 में बहुत हेल्प हो जाती है सर। मतलब हमारा जो भी हमें डाउट्स होते हैं, जो भी मन में फियर रहता है, क्योंकि एक हम मेंटर को ही बता सकते हैं वो, क्योंकि बाकी लोग नहीं, मतलब घर वाले भी नहीं हमारा सुनेंगे। सो एक मेंटर के हिसाब से आप बहुत ही अच्छे से करते हो सर, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। एंड एक साइकोलॉजी लेक्चर भी आपका बहुत ही अच्छा रहता है सर, क्योंकि उसके वजह से हमारा मेंटली हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहते हैं। और ट्रेड मैराथन में हम जब भी आपके साथ ट्रेड करते हैं तो अभी डर नहीं लगता या फियर नहीं लगता है, क्योंकि जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स जैसे ऊपर नीचे होते थे, वैसे हार्ट बीट भी ऊपर नीचे होते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। अभी आपके साथ बहुत ही पीसफुल से हम ट्रेड करते हैं, और मैं आज खुद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ।